हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है अप्रैल के मंथ की करंट फीलिंग्स की। इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेके, इस रिलेशनशिप को वो कहाँ तक ले जाना चाहते हैं और उनके आइडियाज क्या हैं आप दोनों के फ्यूचर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Queen of Wands, Four of Wands, King of Adams, King of Chalices, and Nine of Chalices. Okay. तो कोई काफी खफा नजर आ रहा है किंग ऑफ एथेंस के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो बिल्कुल साइलेंट है, बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रहा है। आपको लग रहा है कि ये पर्सन अब आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं चाहता, या आप इनके लिए वो नहीं रह गए जो आप थे, इनके लवर, इनके बिलवर, इनके द ओनली वन। पर ये सच नहीं है। ये पर्सन बहुत जिद्दी है जिससे आप डील कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत जिद्दी है, ये चाहते हैं कि चीजें इनके अकॉर्डिंग हो, या जो भी ये चाहते हैं जब तक वो हो नहीं जाता वो आगे ना बढ़े। यहाँ पे इस तरीके के एटीट्यूड से डील करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है इस मंथ में, स्पेशली तब जब आपको फोर ऑफ वॉन्ट्स ऑलरेडी मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को कमिटमेंट मिल चुकी है या मिलने वाली है। अप्रैल के मंथ में आपको ये कमिटमेंट मिलेगी एंड उसके बाद फिर ये पर्सन किसी बात को लेके बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा और अपनी जिद पे अट जाएगा। कुछ ऐसे चेंजेस जो आप चाहेंगे कि ये पर्सन करे ताकि आप दोनों का ये जो कमिटमेंट है वो और ज्यादा बेहतर हो सके, आप दोनों का फ्यूचर और ज्यादा बेहतर हो सके। कुछ चेंजेस आप चाहेंगे कि आपके अकॉर्डिंग हो और वो बहुत ज्यादा नहीं है। जो कुछ भी आप मांग रहे हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। आप सिर्फ सोच रहे हैं कि कैसे आप दोनों को ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सकता है एक दूसरे के साथ और कैसे आप ज्यादा से ज्यादा खुश रह सकते हैं। पर इस पर्सन को लगेगा कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं और उनके अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते। तो हो सकता है कि पहले आपको ये कमिटमेंट मिले, आप दोनों सेलिब्रेट करें, आप दोनों काफी खुश हों और फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए आप दोनों के बीच एंड ये पर्सन जिद पे अड़ जाएगा कि आपको उनके अकॉर्डिंग ही अपने लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे। वो अपने लाइफ में कोई चेंजेस नहीं ला सकते किसी रीजन की वजह से। यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ लाइफ में बहुत कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। इस पर्सन को पता है कि आप मैच्योर हैं, आप अंडरस्टैंडिंग है, आप खुद को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, आपको अपने लिए क्या सही है वो पता है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशियंट है। उन्हें पता है कि आप इस रिलेशनशिप में इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें किसी तरीके से आप चाहते हैं, मतलब मैं नीड्स की बात कर रही हूं यहाँ पे, यानी किसी वजह से कोई एडवांटेज आपको चाहिए उनसे, इसलिए आप यहाँ पे हैं। पर ये पर्सन जानता है कि यहाँ पे ये कनेक्शन सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप उनसे कनेक्टेड हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनके बिना भी जी सकते हैं। पर फिर भी ये पर्सन ये जिद करेगा, उन्हें लगेगा कि ये चीजों को बदल देगा। इस तरीके का उनका अप्रोच किंग ऑफ चैलिसेस के साथ, ये पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी है पूरी तरह से। अब ये सेटल होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि फाइनली इन्हें वो मिल जाए, वो पर्सन जिसकी इन्हें इतने दिनों से इच्छा थी। तो डेफिनेटली मैं आप दोनों के बीच एक कनेक्शन तो देख रही हूं, पर यहां पे कुछ ऐसा हो सकता है जो आप दोनों के बीच एक ब्लॉकेज क्रिएट कर दे एंड इसके बारे में आपको सोचना होगा। नाइन ऑफ चैलिसेस है एक मैनिफेस्टेशन के बारे में, एक्सक्यूज मी, मैनिफेस्टेशन के बारे में जो आप दोनों ही कर रहे हैं। ये पर्सन भी चाहता है कि आप दोनों का एक फ्यूचर हो साथ में, आप भी यही चाहते हैं। चीजें फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो रही हैं, पर यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी है जिससे आपको इस मंथ में डील करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रही हूं कि ये पर्सन इतना स्टबर्न हो जाएगा कि शायद अपनी तरफ से आपको अप्रोच ना करें।
हो सकता है बिल्कुल साइलेंट हो जाए एंड अपनी तरफ से कोई कन्वर्जेशन स्टार्ट करने की कोशिश तक ना करें, ताकि आप जो भी आइडिया रखे हुए अपने पास या जो भी सोच रहे हैं उसे गिव अप कर दें। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पिछली वीक की रीडिंग का भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। द सन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ एटम्स, द स्टार एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो द सन है यहां पे। सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, सन है यहां पे तो मतलब आप सेफ हैं और जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको मिलेगा। ये जर्नी भले ही आसान नहीं है, मगर फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे आप इसमें से जीत कर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो टैरो आपसे कह रहा है अगर ये कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए स्टैंड कीजिए। चीजें अपने आप सॉल्व होंगी, डिजॉल्व होंगी। आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी को चेज करें या कन्विंस करने की कोशिश करें कुछ, स्पेशली अगर कोई आपकी बात सुनना नहीं चाहता तो। किंग ऑफ एथेंस के साथ ये पर्सन बहुत स्टबर्न हो सकता है इस वक्त एंड टैरो आपसे कह रहा है कि आपको भी अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको किसी चीज को चेज करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी नाइन ऑफ चैलिसेस है तो चेज करने की जरूरत आपको नहीं ही है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं आप उसे खुद से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, वो चीजें आप तक खुद ब खुद पहुंचेंगी, पर फोर ऑफ एटम्स के साथ थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ सकता है और ये इंतजार थोड़ा सा अकेलेपन से भरा हुआ हो सकता है। आपको हो सकता है लगे कि अगर आप इस पर्सन को अप्रोच नहीं करेंगे तो अकेले ही रह जाएंगे या और बाकी सारी चीजें, मगर ऐसा कुछ है नहीं। फोर ऑफ एटम्स आपसे कह रहा है कि इस वक्त को अकेले गुजारना इतना भी बुरा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। थोड़ा कंटेम्पलेट कीजिए, सोचिए फ्यूचर के बारे में, सोचिए कि क्या आप इस बात पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं जो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। सोचिए कि आप आगे क्या चाहते हैं और जो भी डिसीजन आप आज लेंगे उससे फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये वक्त आपको मिला ही इसलिए कंटेम्पलेशन के लिए। एंड हाँ, टैरो आपसे कह रहा है किसी चीज को चेज मत कीजिए। द स्टार के साथ आपको रास्ता दिखाने वाला स्टार ठीक आपके सामने ही है। आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है, आपको रास्ता दिखा रहा है। अपनी जो फीलिंग्स है, जो अपने इंट्यूशन है, उनको इग्नोर मत कीजिए। वो फीलिंग्स और वो इंट्यूशन भी एक मैसेज होते हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो हमें वक्त वक्त पर याद दिलाते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या हमें क्या चाहिए फ्यूचर से। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये सिचुएशन है एक नई स्टार्ट के बारे में, उसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ सकता है। यानी यहां पे जो कुछ भी बिखरा हुआ था उसे अरेंज कीजिए, अपने पीसेस को उठाइए। शायद आपका जो मन है वो थक चुका है अब और आप टायर्ड हो चुके हैं हर चीज से डील करते करते। अगर ऐसा है तो टैरो आपसे कह रहा है कि फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ रिलैक्स कीजिए, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का वक्त लीजिए, अपने लाइफ के इश्यू से डील करने का वक्त लीजिए। खुद को संभालिए पहले, उसके बाद कोई और चीज मायने रखती है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो सनत कुमार आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर जो गाइडेंस है वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। आपके अंदर जो हायर सेल्फ है, जो सोल है, वो आपसे क्लियरली बात कर रही है। आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इस इश्यू पर अभी डिसीजन नहीं ले सकते,
तो मत लीजिए, और किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं। आपको जो मन में आए आप वो कीजिए, बाकी आपका हर सब संभालेगा। बस यही मैसेज ये कार्ड मुझे दे रहा है। ओके, तो ये है रीडिंग अप्रैल के करंट फीलिंग्स के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।